congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations, I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations. And well, around 4.5 years के बाद मैं dealership में आ रहा हूँ and आ रहा हूँ तो कुछ एक reason के लिए आ रहा हूँ because I think the show is fantastic and definitely ये show, you know, मैं कोई भी आज तक ऐसा काम नहीं लिया हूँ जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि मेरे करियर को कुछ एक you know ऊँचाई तक नहीं लेके जाएगा but this show I knew that like you know somewhere it is interesting and ये मुझे कहीं ना कहीं और आगे लेके जाएगा something more to do in you know for television तो ये करीबन 4.5 years के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये कुछ ऐसा शो है जहाँ पे यू नो आई कैन कम बैक एंड आई कैन यू नो एक एंकर से एक्टर फिर से मैं ट्रांसफॉर्म हो सकूँ। आई थिंक सास बहू रॉक्स, यू नो सास बहू ही चलते हैं और सास बहू से ही सब कुछ शुरू होता है। जो घर पे बैठे हैं वो सास बहू ही रहते हैं, ना कि कोई यू नो 5 साल या फिर 10 साल का कोई लड़का। सो वी आर मेकिंग इट फॉर देम, जो टेलीविजन यू नो ऑन कर लेता है प्राइम टाइम पे। सो डेफिनेटली आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट ये शो से यू नो लोग इस शो को काफ़ी पसंद करेंगे एंड होपफुली मेरा काम भी। Whenever I get a show, I'll come back. Yes, yes, I'll do. I'll keep doing comedy circles. आप साथ में कोई प्रोजेक्ट करना चाहेंगे, कोई ऐसी कोशिश है? Definitely, अभी तक तो कुछ आया नहीं है, लेकिन आगे जाके कुछ काम यू नो साथ में करने का मौका मिले तो डेफिनेटली हम करना चाहेंगे। शो का नाम है कैरी, आगे जाके कुछ और एंट्री आती है तो ये मेरी बनेगी वैरी। डेफिनेटली, मतलब यू नो दैट वाज अनदर रीज़न कि मैंने ये डेली सोप लिया है बिकॉज इनके जितने भी शोज़ आ रहे हैं अपने चैनल में या फिर ओवरऑल इट्स नंबर वन। सो द टीम इज़ सुपर्ब, द क्रिएटिव टीम इज़ सुपर्ब, द राइटर्स आर वेरी गुड। सो एंड यहाँ की जो टेकिंग है और जो मैंने बाहर जो शूटिंग अभी तक किया हूँ दूसरे प्रोडक्शन के लिए थोड़ा नहीं बहुत अलग है। So I'm happy that I'm a part of this production. 100%, 100%. उसके आने के बाद बहुत कुछ मिला है, बहुत सारा काम मिला है, बहुत सारे पैसे मिले हैं और एक बड़ी सी गाड़ी भी मिली है। आई डोंट नो, जय तो मेरा लकी चार्म है बिकॉज जय जब आया था तो मुझे मेरा शो मिला था व्हेन वी स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर, तो मेरे लिए तो है बट आई डोंट नो अबाउट यू। बहुत अच्छा लग रहा है, यू नो 2012 इज़ क्वाइट लकी फॉर मी एंड काफ़ी ऑफर्स आ रहे हैं, सो आई एम हैप्पी एंड थैंकफुली इतने सालों के बाद भी लोग मुझे पसंद कर रहे हैं और इतने सारे ऑफर्स कर रहे हैं शोज़ के। सो इट फील्स ग्रेट दैट इतने सालों के बाद भी ऐसा नहीं है कि यू नो अरे यार ये आउटडेटेड हो गया है। आई एम स्टिल यू नो अभी भी आज लोग आते हैं तो थोड़ा बहुत एक उसके साथ आते हैं दैट लाइक यू नो आप अभी भी फ्रेश हैं एंड आई एम हैप्पी दैट लाइक यू नो इतने सारे ऑफर्स आ रहे हैं एंड होपफुली आगे जाके भी ऐसे आते रहे काम। क्या है कि घर का बड़ा लोन लिया है। What do you have to say about it?
एक्सपेक्टेशंस थी जिस दिन पहली बार मैंने इस प्रोडक्शन हाउस में कदम रखा था तो मुझे तब से ही एक्सपेक्टेशंस थी। जब उन्होंने मुझे किरदार के बारे में बताया तो मुझे एक्सपेक्टेशंस और बढ़ी, और फिर हम जब लकीली आउटडोर शूटिंग के लिए गए और जो अग्नि परीक्षा हम क्रॉस करके आए, जिस खूबसूरती से, जिस प्यार से और जिस ठंडे स्वभाव से, जिस प्यार मोहब्बत से वापस लौटे 53 and 54 टेम्परेचर में, उसके बाद उम्मीद थी कि भगवान इसका फल ज़रूर देगा, और वो फल भगवान ने हमें 4-5 महीने के अंदर दिया, क्योंकि उस सब के पीछे सबकी मेहनत थी। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही एक एक्टर की ज़िंदगी में एक टीवी वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही बड़ा सुहाना सपना है जो कंप्लीट हुआ है। इसके साथ आपकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ चुकी है। जी, फैन फॉलोइंग पता नहीं, मुझे नहीं पता कि बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। मुझे हमेशा से जो भी मैंने किरदार प्ले किया है उसमें मुझे उतना ही प्यार मिला है। ऐसे नहीं था कि जब मैं पृथ्वीराज चौहान कर रहा था तब कुछ और तरीके से फैंस मुझे ट्रीट करते थे, और आज सूरज हूँ तो और तरीके से करते हैं। फैंस फैंस ही हैं, मुझे नहीं पता उनकी गिनती कितनी है। अगर महीने में 2 भी मिल जाते हैं तो वो अगले महीने का ईंधन होता है, तो क्योंकि वो बहुत अच्छा बोल के जाते हैं हमारे लिए और बहुत कॉम्प्लीमेंट देते हैं। उनकी आँखों में, उनके चेहरे पर वो खुशी देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। व्यूअर्स को ऑब्वियसली लव स्टोरी है तो रोमांस तो कहीं ना कहीं बीच बीच में आपको दिख ही जाता है, बट उस रोमांस के कितने आगे पड़ाव हैं, कितनी आगे गहराइयाँ हैं, वो आपको देखते देखते ही पता चलेगा। फ्रेंड्स को ऑफकोर्स वो घिसा पिटा सा शब्द बोलते हैं कि इन फ्रेंडशिप नो थैंक्स नो सॉरी, थैंक्स बोलना चाहूँगा। थैंक्स इसलिए बोलना चाहूँगा क्योंकि आपने मेरी मेहनत को सराहा है। आप बहुत इस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत सेल्फिश हैं, मतलब आप लोग प्यार करते हैं, प्यार में इंसान जैसे सेल्फिश हो जाता है कि अगर ये एक किरदार करेगा और उसके बाद दूसरा किरदार करेगा, अगर अच्छा किया तो ही प्यार देंगे, नहीं रूठ के बैठ जाएंगे। तो आपको वो प्यार बार बार दिखता मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, उसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और मेरे पूरे दिया बाती की टीम से, उन सब फैंस के लिए, उन सब परिवारों के लिए जो दिया और बाती देख के उसमें से कुछ सीखते हैं। प्लीज़ आप इसको देखते रहिए, हम आपको कभी भी मिसगाइड नहीं करेंगे, आपको कभी भी गलत चीज़ नहीं दिखाएंगे। जहाँ तक कोशिश हो सके आपको एक समाज सुधारक चीज़ें ही दिखाएंगे, जिससे आपको मनोरंजन भी होगा और आपकी उसके बाद रात की नींद भी बहुत अच्छी आएगी। थैंक यू।
तो एवरीवन अप्रिशिएटेड देम। तो ये एक्चुअली मुझे लगता था कि अभी तक मुझे लगता है कि सास बहू जो है बेसिकली जो फैमिली ड्रामा है कि वो बहुत ज़्यादा फैंस है, बट मुझे पता है कि इट्स अ स्टोरी अबाउट अ करियर ओरिएंटेड गर्ल। तो आज सर से मुझे इस बात पता लगी कि इतने लोग फैंस हैं, तो और आप ऑब्वियसली टीआरपी तभी आ रही है। आप लोग पसंद कर रहे हैं कि सिर्फ आपका ही प्यार है जो हम लोग इतना सक्सेसफुल है, अदरवाइज तो मेहनत तो सब लोग करते हैं, मगर आपका प्यार किसी किसी को नसीब होता है और शायद हम भी उसमें से लकी हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस। आपके दूसरे भी शो अपना काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, और ये है कि हम लोगों की स्क्रिप्ट जो है और जो हमारे राइटर्स हैं, डायलॉग राइटर्स हैं, पूरी टीम दीआर बाती की, इट्स सो कोऑपरेटिव। मेरे ख्याल से हम लोगों की जो यूनिटी है दीआर बाती हम की, शशि सुमित प्रोडक्शंस की, वही है कि हम लोग इतनी जल्दी ऊपर आ गए और आप सबका हमें इतना सारा प्यार मिला। ये सब एक यूनिटी है, अगर आप सशक्त हैं, सबका साथ है, प्यार है, तो हर चीज़।